अलवर के नीमका थाना से जुड़ी अगली अपडेट हम आपको दे रहे हैं। दरअसल किन्नरों के दो गुटों के बीच मारपीट और फायरिंग यहां पर हुई है। जाट बैरोड गांव में पैसे मांगने के दौरान यह फायरिंग दरअसल हुई है और किन्नरों के दो गुटों के बीच कई दिनों से विवाद यहां पर चल रहा था और इलाके को लेकर दोनों पक्षों के अंदर विवाद था। शाहजापुर थाना पुलिस को घटना की कोई जानकारी नहीं है। वहीं किन्नरों ने बैरोड पुलिस उप अधीक्षक रामजीलाल चौधरी को मौके पर जाकर सूचना दी है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इसकी भी हम आपको दिखा रहे हैं। नाराजगी आक्रोश आपको दिखाई चेहरों के जरिए दे रहा है और इस दौरान फायरिंग करना अपने आप में इस घटना को बड़ा बना रहा है। अलवर के नीमराणा से दरअसल ये घटना है जहां पर किन्नरों के दो गुट के बीच में मारपीट और फायरिंग हो गई है। दरअसल जाट भैरोड गांव है जहां पर पैसे मांगने के दौरान ये फायरिंग हुई है, क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि हर एक सोसाइटी के हिसाब से या फिर हर एक इलाकों के हिसाब से किन्नरों का अपना एक आधिपत्य होता है। मामला शायद वहीं पर आकर उलझा कि जब दो गुट आमने सामने एक ही जगह पर जाकर टकरा गए और पैसे को मांगने को लेकर ये दरअसल गुस्सा निकलकर सामने आया। लेकिन कमाल की बात यह है कि फायरिंग यहां पर हुई है। अब क्या उनके पास लाइसेंसी बंदूक थी या फिर वो भी बिना लाइसेंस या कहें कि अवैध हथियार जो होते हैं उनका इस्तेमाल यहां पर करते हुए नजर आए। इस बीच कमाल की बात यह है कि पुलिस को जानकारी नहीं है कि दो गुटों के बीच में फायरिंग यहां पर हुई। इलाकों को लेकर दोनों पक्षों के बीच में दरअसल विवाद होता हुआ यहां पर नजर आया। शाहजापुर थाना पुलिस को इस पूरी घटना की जानकारी ही नहीं है।